नमस्कार, मैं सुनीता। आज हम पेडीक्योर की फाइल को तैयार करेंगे। मैं जैसा आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि फाइल तैयार करने के लिए हमें A4 रंगीन शीट लेनी है, जिसमें एक साइड लाइन हो और दूसरे साइड पर प्लेन हो। हमें लाइन वाली साइड पर लिखना है और प्लेन वाली साइड पर उससे रिलेटेड पिक्चर चिपकानी है। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे, पेडीक्योर। उसके नीचे हम सामग्री लिखेंगे, एक नंबर गुनगुना पानी, दूसरा नेल पॉलिश रिमूवर, तीसरा रुई, चौथा प्लास्टिक टब, शैम्पू, डिटॉल, क्यूटिकल पुशर, क्यूटिकल कटर, नेल ट्रिमर, नेल फाइलर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अमोनिया, नेल ब्रश, प्यूमिक स्टोन, स्पंज, तौलिया, मसाज क्रीम, स्क्रब, फूट बफर, मेटल स्क्रबर, बेस कोट, नेल कलर और टॉप कोट। अब उसके अगले पेज पर लिखना है पेडीक्योर करने की विधि। एक नंबर, सबसे पहले नाखूनों पर लगे नेल पेंट को नेल पेंट रिमूवर से हटा लेंगे। दूसरा, नेल कटर की मदद से नेल को कट करेंगे। फिर नेल फाइलर से नेल को शेप देंगे। तीसरा, अब एक प्लास्टिक टब में गुनगुना पानी लेंगे। इसमें दो ढक्कन अमोनिया, दो ढक्कन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एक ढक्कन शैम्पू और डिटॉल की कुछ बूंदें डालेंगे। चौथा, अब नाखूनों पर क्रीम लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए पैरों को गुनगुने पानी में डालकर रखेंगे। नंबर 5, 20 मिनट बाद पैरों को पानी से निकाल लेंगे। अब पुशर की मदद से सारी डेड स्किन को पीछे करेंगे और फिर क्यूटिकल कटर से सारे क्यूटिकल्स को काट लेंगे। छह नंबर, फिर नेल ब्रश पर शैम्पू डालकर पैरों की सफाई करेंगे। उसके बाद प्यूमिक स्टोन पर शैम्पू डालकर पैरों को साफ कर लेंगे।
अब स्पंज पर भी शैम्पू डालकर पैरों को साफ कर लेंगे। उसके बाद पानी से अच्छी तरह पैरों को साफ करेंगे और फिर तौलिए से पोंछ लेंगे। नंबर 7, मेटल स्क्रबर से एड़ियों और नीचे तलुओं के सारे डेड स्किन को हटा लेंगे। नंबर 8, फूड बफर से एड़ियों और तलुओं को चिकना करेंगे। नंबर 9, अब स्क्रब लेंगे और पैरों की मसाज कर लेंगे। स्क्रब करने के बाद पैरों को पानी से अच्छे से साफ कर तौलिए से पोंछ लेंगे। नंबर 10, अब मसाज क्रीम लेकर पैरों की अच्छे से मसाज कर लेंगे। नंबर 11, मसाज के बाद नेल पर सबसे पहले बेस कोट लगाएंगे, फिर नेल पॉलिश लगाएंगे और अंत में टॉप कोट लगाएंगे। जब आपकी फाइल तैयार हो जाएगी तब ऐसी दिखेगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर डालिएगा। और हाँ, जब आप ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखते हैं तो आपको सब कुछ आना चाहिए। हेयर स्टाइल, नेल आर्ट, मेहंदी लगाना, ब्यूटी टिप्स, हेयर कटिंग और साथ में ये मैनिक्योर, पेडिक्योर, वैक्स और फेशियल तो आना ही चाहिए। तो मैं समय समय पर हर तरह के वीडियो डालती रहती हूँ, उसे आप ज़रूर देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।